दिया जाता है और बताया जाता है। ओके, जो जीवन शैली एक प्रोग्राम है जो लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को घर बैठे सक्षम करना हमारा मकसद होता है कि उनको कैसे आत्मनिर्भर हो पाए, साथ ही अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सके। तो उसी के ऊपर जीवन शैली के थ्रू ही ये प्रोग्राम चल रहा है, बाउल मैनेजमेंट। और स्किप इंडिया जो है, ये 2013 का एक है जो क्वाड्रिप्लेजिक के ऊपर काम करते थे, उन्हीं के साथ मिल के और जीवन शैली एंड स्किप इंडिया मिल के ये प्रोग्राम शुरू किया है कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये लाभ उठा पाए। और स्किप का था कि जो क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं, जिनका गर्दन से नीचे का अंग काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये जीवन शैली एंड स्किप का पहल है, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सपोर्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करें, ताकि और जो भी वॉलेंटियर है, बहुत सारे वॉलेंटियर हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे बिहार से हैं राजू हैं, राकेश हैं, और इंडिया का अलग अलग कोने के लोग भी हैं, प्रीतम है, तो बहुत सारे लोग हैं, आकाश सरदार हैं कलकत्ता के, और ऐसे टीम है पूरा जीवन शैली का। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो वहां पे सारा चीज जो हम लॉन्चिंग किए थे तो उसमें सारा चीज बताया गया है कि जीवन शैली जो किस तरीके का काम करता है, जीवन शैली का मकसद क्या है, वो सारा चीज पता चल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, तो आप लोग कॉल पे जुड़े, और आज का जो टॉपिक है जो हमारे बीच में है, पिंकी जी जो एज ए पेशे से नर्स हैं और ये भी एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इन्होंने भी बहुत सारी चुनौती को पार करते हुए कैसे अपनी लाइफ को जिए हैं, और आज का जो टॉपिक है बाउल मैनेजमेंट, तो हम जानते हैं पिंकी जी के थ्रू कि कैसे बाउल मैनेजमेंट कैसे करना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन सर ले सकते हैं, और बाकी जो लोग हैं ट्रेनी जो भी लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उन लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि हम और आप मिलके इस मुहिम में लोगों को घर में जो पड़े हैं उनको सक्षम बनाएं और वो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सके। थैंक यू एवरीवन, एंड पिंकी जी कंटिन्यू आप कीजिए। थैंक यू। या पिंकी जी जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार आप सभी को। आप लोग अपना कीमती वक्त देके आज कॉल पे जुड़े हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल जी, जी, मेरी आवाज आ रही है? पिंकी जी आपका आवाज आ रहा है, आ रहे हैं, सुन पा रहे हैं जी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अभी म्यूट रखिए, और कॉल के लास्ट में जो भी क्वेश्चन वगैरह आप आवाज आपका सुन नहीं पा रहे पिंकी जी, शायद आप मुश्किलें दोबारा बोलिए। जी, नेटवर्क का शायद अभी आ रही है? इशू अभी ठीक है, है? अभी सुन पा रहा हूँ जी, अभी ठीक है, ओके कंटिन्यू जी। कीजिए। तो मुझे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मगर जो भी चुनौतियां हैं उसको पार करके, और मैं अभी एक अच्छा इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हूँ, और मैं अभी एक हॉस्पिटल में सरकारी विभाग में मैं जॉब पर हूँ। तो आज मुझे इनवाइट किया गया है यहाँ पे अपना जो भी ये बाउल मैनेजमेंट के ऊपर जो टॉपिक है उस पे अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों के काम आएंगे, और जो भी आपकी क्वेश्चन वगैरह होगी वो लास्ट में हम लोग सवाल जवाब का थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो शैलेश जी आगे कंटिन्यू करें। आप स्क्रीन यस शेयर करते कंटिन्यू। रहिएगा राहुल जी। हटा दीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, बिना वो स्लाइड ओके, तो बावल मैनेजमेंट आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यही तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हम कैसे बावल मैनेज करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें बावल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है।
आप डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा पिक्चर लाइए राहुल जी। जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मुझे शो नहीं कर रहा था। इससे इससे आगे वाला स्लाइड जो है जी, तो यह है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र। तो हम में से लगभग सभी को पता है कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता क्या है। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम करता है ये पाचन तंत्र, ये तो हम सभी को पता है, मगर इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं हम लोग। लेकिन आज मैं ज्यादा एनाटॉमी के ऊपर ना जाते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान शब्दों में मैं आप लोगों से बात करूंगी और इस विषय के बारे में बताऊंगी। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें आता है कि जैसे माउथ, हमारा मुंह, दांत, जीभ, सलाइवरी ग्लैंड यानी जो लार ग्रंथि है, और खाद्य नली, लीवर, स्टोमक, गॉल ब्लडर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, रेक्टम और एनस। तो इन सभी को मिला के वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो खाना खाने से लेकर खाना पचाने और जो वेस्ट चीजें हैं उसको मल के रूप में बाहर निकलने का काम ये ग्रंथियां मिलकर करते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। पेज नंबर 3 लाइए राहुल जी। राहुल जी नेक्स्ट प्लीज। आ गया कंटिन्यू कीजिए, यहाँ दिख रहा ओ है। सर, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मुझे थोड़ा शो नहीं कर रहा है। तो आप अब एक काम जानते करिए हैं पिंकी जी, आप। आप भी अपना पीपीटी ढूंढ दूसरे मोबाइल पे अगर आप हैं तो उसे खोल लीजिए, और यहाँ पे राहुल जी ओके से ओके बोलिएगा ओके नेक्स्ट, वो चेंज कर देंगे, एंड देन वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर लीजिए शायद आपके साइड से। ठीक ठीक है, ओके। ओके चले जी। अब जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पहले यह डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। यह हमें इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम आफ्टर इंजरी जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करें। तो बिफोर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हमारा जो ब्रेन है यानी दिमाग से एक कॉर्ड निकलता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यह धागे के गुच्छा जैसा रहता है। यह ब्रेन के साथ हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है और हमें कब क्या करना है शरीर में होने वाली अनुभूतियों का यह हमें एहसास कराता है। जैसे कि ना डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट बचा रहता है वह स्टूल यानी मल के रूप में रेक्टम में जमा होता है, और जैसे ही जमा हो जाता है हमें यह एहसास होता है कि मोशन पास करना है और हम टॉयलेट जाते हैं। तो यह जो भी क्रियाएं होती है इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेदार है, यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक फैली हुई है उसके जरिए दिमाग को मैसेज जाता है कि अब हमें स्टूल पास करनी है, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तब मलद्वार अपने आप खुल जाता है और हम स्टूल पास करते हैं। तो ये तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से होने वाली क्रियाएं। आप कोई अगर म्यूट अनम्यूट है तो प्लीज आप म्यूट रखिए। ओके, मेरी आवाज आ रही है शैलेश जी, अगर नहीं सुनाई दे तो आप जी बोलिएगा। कंटिन्यू, या कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके सही है। हाँ सॉरी, आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब किया। मगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जिस लेवल पे इंजरी होती है वहां से ब्रेन के साथ स्पाइनल इंजरी के जरिए जो वहां से जो कनेक्शन होता है, जहाँ पे हमारी इंजरी होती है तो उसके नीचे से जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जरिए जो भी कनेक्शन होता है दिमाग के साथ तो वो टूट जाता है। तब क्या होता है कि इंजरी से नीचे का जो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और ब्लडर या बावल में होने वाली जो भी अनुभूतियां हैं हमें एहसास नहीं होता, इसीलिए हमें यूरिन और मोशन का पता नहीं चलता है या और इस पर हमें कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हमें जरूरत होती है ब्लडर और बावल मैनेजमेंट की। तो आज हम बावल मैनेजमेंट के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं।
अब तक हमने जाना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है। स्पाइनल इंजरी से पहले हमें यूरिन और मोशन का कैसे पता चलता है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद क्या होता है, और स्पाइनल इंजरी के बाद हमें यूरिन और मोशन की पता क्यों नहीं चलता, यहाँ तक अभी हमने जाना। अब हमें जानने की जरूरत है कि स्पाइनल इंजरी के बाद बाउल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और उसका तरीका क्या है। तो बाउल मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसका वेस्ट पार्ट मल के रूप में रेक्टम में जमा होता है, मगर हमें सेंसेशन नहीं होने के कारण मोशन का पता नहीं चलता है और स्टूल अंदर जमा होता रहता है, और जब बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो अपने आप थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर निकलता रहता है, उसका कोई टाइमिंग सेट नहीं होती है। जब भी वो पूरा दिन में देखिएगा कि ये स्पाइनल इंजरी हम सब है तो हमें स्टार्टिंग में ये सभी को ये दिक्कत होती होगी कि थोड़ा थोड़ा करके मोशन अपने आप बाहर निकलता रहता है कभी भी, तो हमें पता भी नहीं चलता है, और कभी कपड़े खराब होते हैं, तो इस तरीके से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अंदर स्टूल जमा हो जाता है और पूरा क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि हमें उसका क्लियर करने का तरीका पता नहीं है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो गैस बनने लगता है, पेट में गैस बनने लगता है और अपच होने लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, हमेशा सर भारी रहना, सर में दर्द होना, और हमेशा हम मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, और कहीं बाहर निकलने में भी हमें संकोच होती है कि कहीं बाहर गए और अगर कुछ बावल एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब सोच सोच के काफी लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं और हमेशा ये सब सोच के ये सब कारण से दुखी रहते हैं, और जिसके वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो अब यहाँ तक सब लोग क्लियर है ना कि अगर किसी किसी का अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लास्ट में लेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है भी तो अगर आप लोग अगर कुछ दिक्कत है पूछने में किसी को तो आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे इनबॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, ये आपका जो भी सवाल है साथ में अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए, तो ये कॉल रिकॉर्ड भी हो रहा है तो फिर बाद में हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। मैडम, कैन यू ओके समर अप अब अगेन? कैन जी यू समर अप अगेन? कैन यू प्लीज हेलो समर अप समिट अप कैन यू प्लीज समिट अप? ओके जो भी जिस किसी का भी अगर कोई सवाल है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और अपना कांटेक्ट नंबर भी उसमें लिख सकते हैं, तो मैं बाद में आपको कॉल कर लूंगी पर्सनली, और जिसको पूछना है तो लास्ट में हम लोग थोड़ी देर का टाइम रखेंगे उसमें हम लोग पूछ सकते हैं। ओके अब हम जानते हैं बावल प्रोग्राम के बारे में। बावल प्रोग्राम को चार हिस्सों में विभाजित किया गया है। राहुल जी पेज नंबर 5 लाइए प्लीज। पेज नंबर 5 ओके। बावल प्रोग्राम को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि टाइमिंग, डाइट, टेक्निक्स और मेडिसिन। तो सबसे पहले हमें जरूरत है एक टाइमिंग फिक्स करने की, यानी हर हर किसी का हर किसी को अपने सुविधा के हिसाब से अपना टाइमिंग सेट करना है, और टाइमिंग सेट करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना सुबह या शाम को जब भी अपना टाइम सेट करते हैं तो उस हिसाब से क्या होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे ढलने लगता है, और वो टाइमिंग को जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो वो आसानी से आपको मोशन पास हो जाएंगे, तो इसीलिए सबसे पहले टाइमिंग सेट करना जरूरी है। दूसरा है डाइट यानी आहार। हमें सही मात्रा में और सही डाइट लेना है जिससे बाउल प्रोग्राम में हमें आसानी हो। आप पेट भर भर के खाना खाएंगे और आपको एकदम थोड़ा सा ही मोशन आएगा तो ये अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
इसीलिए खाने में वो चीजें शामिल करना जरूरी है। पेज नंबर 8 लाइए राहुल जी। ये नहीं, नेक्स्ट प्लीज। ओके, इसलिए खाने में वह चीजें शामिल करना जरूरी है जो हमारे मोशन की मात्रा को बढ़ाए और मोशन को सॉफ्ट बनाए, जिससे हमें मोशन पास करने में आसानी हो। हमें ऐसी चीजें खाना है जिसमें हाई फाइबर हो, यानी फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा हो। हाई फाइबर वाले डाइट कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, जैसे पका हुआ अमरूद, पपीता, खीरा, कद्दू, तरबूज, गाजर, मूली, चुकंदर। आप एक एक करके स्लाइड चेंज कर सकते हैं राहुल जी। ओके, सोयाबीन, भिंडी, पालक और बीज वाले अनाज जैसे चना, राजमा, बादाम, दाल, ये सब। और फल जैसे कि आम, अनानास, सेब, संतरा या जो भी सीजनल फल है। और अंकुरित चीजें जैसे मूंग, चना, ये सब। तो ये सब हो गया हाई फाइबर डाइट। इनमें से जितने संभव हो कुछ न कुछ रोजाना खाने में शामिल कीजिए। ये पूरा तो हम लोग हर किसी को पॉसिबल भी नहीं होगा एक दिन में सब खाए, तो जिससे जितनी बन पाती है कम से कम एटलीस्ट इसमें से दो तीन चीजें अपने डेली के खाने में शामिल करिए। तो जिनके लिए ये सब डेली खाना पॉसिबल ना हो तो वो लोग बहुत ही कम खर्चे में अंकुरित चीजें खा सकते हैं, जैसे चना और मूंग को मिला के लगभग 100 ग्राम रोजाना भिगो के अंकुरित कर लीजिए और वह खाइए। तो ये इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और इसमें काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर है। तो ये आपको मोशन को आपके स्वस्थ बनाने में और आपको बाल प्रोग्राम में ये अच्छे से ये फायदा करेगा। और अगर ऐसे नहीं खा सकते तो अपने पसंद के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया, मूंगफली, काला नमक, ये सब भी मिला के आप उसको सलाद बना के वो अच्छे से खा सकते हैं। तो डेली के खाने में आप लोग कम से कम कटोरी भर के ये सब इस्तेमाल करिए। और अब हम बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। ये तो हो गया डाइट के बारे में कि हमें क्या खाना है, अब हो गया टेक्निक्स के बारे में। तो टेक्निक्स में पेज नंबर 26 राहुल जी। পুরোপুরি হয় নাকি দেখ, চেক করে, চেক করি না এখন আমার। তাহলে তো হ্যাঁ, জি, পেজ নাম্বার 26 কা। ওকে, নেক্সট প্লিজ। রাহুল জি, নেক্সট প্লিজ। इसके बाद जो DE का जिसमें पिक्चर है ना, ओ सॉरी सॉरी, 27, हाँ 26 और 27, ये इसको एक ला सकते हैं आप। इसके बाद वाला जी, इसके बाद ओके, हाँ इसके बाद आप दो तीन स्लाइड थोड़ा आगे करिए तो वो आएगा। थोड़ा सा इसके बाद काफी पीछे चला गया शायद।
डीई का जो पार्ट है ना, जिसमें डी दिखाया गया है, इससे पहले शायद डीई का पार्ट जो है, और थोड़ा पहले। ओके, इसी को रहने दीजिए, डिजिटल स्टिमुलेशन, शायद वो डिलीट हो गया होगा शायद। ओके, एक सबसे सेफ और अच्छा तरीका है डीई, यानी डिजिटल इवैक्यूएशन। तो डिजिटल इवैक्यूएशन क्या है और कैसे करना है? ये कैसे करना है? हाथ में ग्लव्स पहनकर और उंगलियों में नारियल का तेल या कोई जेली, ये जेली लगाकर दो फिंगर को मलद्वार के अंदर इंसर्ट करना है और धीरे धीरे मोशन को बाहर निकालना है। और जब पूरा मोशन बाहर निकल जाए, तब मलद्वार को अच्छे से साबुन से धोना है। इस तरीके से डीई करते हैं। डीई करते समय डी करने से समय की भी बचत होती है और आप रोजाना बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी फ्रेश हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो इस तरीके को ना अपनाएं। और दूसरा ये है डिजिटल स्टिमुलेशन, सॉरी डी का पार्ट इसमें शायद डिलीट हो गया है, इसके लिए हम लोग नहीं शेयर कर पा रहे। तो दूसरा है डिजिटल स्टिमुलेशन। तो डिजिटल स्टिमुलेशन कभी कभी किसी को असर करता है, हर किसी पे नहीं असर करता है, लेकिन किसी पे ये असर करता है। तो इसलिए डिजिटल स्टिमुलेशन ये हो गया कि जिनका जैसे कि किसी का किसी को थोड़ा बहुत पता चल रहा है मोशन का, और मोशन भी मतलब ऐसे रेक्टम के पास आ रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, तो इस तरीके से ग्लव्स पहनकर और अपने फिंगर को इंसर्ट करके और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अगर फिंगर को घुमाएंगे तो इस तरीके से भी अंदर स्टिमुलेट होता है, जिससे मोशन बाहर आ सकते हैं। और दूसरा जो तरीका हो गया यह है सपोसिटरी, पेज नंबर 19। राहुल जी, ओके। सपोसिटरी एक मोमबत्ती जैसा सॉफ्ट मेडिसिन है, इसको रेक्टम के अंदर डालना होता है। तो यह अंदर स्टिमुलेटिंग करता है जिससे मोशन सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो सपोसिटरी को असर करने में लगभग 20 से 45 मिनट का समय लगता है। हर किसी पे ये एक जैसा समय नहीं लगता है, हर किसी के बॉडी के हिसाब से ये कम या ज्यादा समय लगता है इसको असर करने में। तो हमको लगभग 1 से 1.5 इंच तक अंदर इसको इंसर्ट करना है, इससे पहले हाथों में ग्लव्स पहनना जरूरी है। अगर आप एक साथ एक से ज्यादा सपोसिटरी खरीद कर लाते हैं तो आपको इसमें इसको फ्रिज में आपको स्टोर करना होगा, क्योंकि ये पिघल जाता है। तो इसीलिए आप अगर ज़्यादा सपोसिटरी एक बार में खरीद कर लाते हैं तो आपको फ्रिज में रखना होगा, और जब इसको यूज करना है तो एक निकाल के और उसको यूज करिए। तीसरा तरीका है वार्म वाटर एनिमा। पेज नंबर 23। राहुल जी, नेक्स्ट प्लीज। ओके, तीसरा जो तरीका है वो है वार्म वाटर एनिमा। इसमें इस तरीके का जो एनिमा कैन लगा है, तो इस तरीके का एनिमा कैन आपको लेना होगा, और वो आप ऐसे फार्मेसी से भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये अवेलेबल हो जाता है आसानी से। तो लगभग 1 लीटर गुनगुना पानी लेकर एनेमा कैन को ऊपर थोड़ा ऊंचाई वाले जगह पे रखना है, लेकिन इससे पहले उसका जो नोजल है, यहाँ पे देखिए जो सफेद कलर का एक थोड़ा लंबाई आकार में दिया गया है नोजल, तो वो जो नोजल है उसको लुब्रिकेट करना है, यानी उसमें जेल
आवाज नहीं हेलो, मैम, आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही है। मतलब अभी अब आप आवाज सुन आ पा रही रहे है? हैं? ओके यस, ओके, आप सुन पा रहे हैं? तो इस तरीके का जो एनामेकन लेना है, और इसका उसमें 1 लीटर वार्म वाटर यानी गुनगुना जो पानी होता है वो 1 लीटर इसमें डालना है, और इसका जो नोजल है यानी जो थोड़ा वो लंबा आकृति का दिखाई दे रहा है ना नोजल, उसमें उसको लुब्रिकेट करना है यानी उसमें जेली वगैरह लगाना है, और धीरे धीरे वो रेक्टम में इंसर्ट करना है। उसके बाद वो जो एनेमा कैन है उसको थोड़ी ऊंचाई वाले जगह पे रखना है ताकि वो पानी धीरे धीरे पूरा रेक्टम के अंदर चला जाए, और वो पानी जैसे ही पूरा अंदर जाएगा तो प्रेशर के साथ वो मोशन खुद ही बाहर निकलने लगेगा। तो ये हो गया तीसरा तरीका। लेकिन एक और तरीका है जो आजकल लगभग ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोग जिनको डी से मोशन नहीं आता है या फिर जिनको सपोजिटरी से भी असर नहीं करता है तो वो लोग करते हैं, एक और तरीका है टेप वाटर एनिमा। यहाँ पे उसका पिक्चर नहीं है, मैं ऐसे आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे एक हो गया टेप वाटर एनिमा, तो टेप वाटर एनिमा भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो चाहिए रेक्टम कैथेटर। आप राहुल जी वही रखिए, पहले वाला ही, इससे पहले वाला। ओके, तो टेप वाटर एनेमा में इसमें जैसे एनेमा कैन लगता है ना, उसमें एनेमा कैन की पूरा कैन की जरूरत नहीं होती है, और ये नोजल की भी जरूरत नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, ये जो बीच में जो एक ट्यूब दिखाई देता है वो ट्यूब आप रख सकते हैं, या फिर उसके, या फिर आप जो यूरोबेक का जो पाइप है उसको भी आप ले सकते हैं कट करके, यूरोबेक से उसको कट कर दीजिए और उसको भी ले सकते हैं। साथ में आपको एक रेक्टम कैथेटर चाहिए, तो रेक्टम कैथेटर के बदले आप फॉलिस कैथेटर भी यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे ये लेना है, ये टेप वाटर एनेमा ये आप वॉशरूम में ही यूज कर सकते हैं। तो वॉशरूम में जाने के बाद क्या करना है कि वो जो टेप कनेक्टर इसमें चाहिए, इसमें रेक्टम कैथेटर, टेप कनेक्टर और एक ट्यूब चाहिए। तो ये कनेक्टर के जरिए आप उसको टेप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो नोजल है वो यहाँ पे जो पाइप में दिखाया गया है नोजल, उसको हटा के उस जगह पे आपको कैथेटर लगाना होगा, और उस कैथेटर को थोड़ा लुब्रिकेट करके वो आप रेक्टम के अंदर डाल दीजिए, और जब आप पानी छोड़ेंगे ना टेप से तो वो धीरे धीरे पानी अंदर जाएगा और पूरे प्रेशर के साथ थोड़ी देर में ही पूरा आपका मोशन बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और एकदम सेफ तरीका है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो लोग वॉशरूम यूज करते हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप टेप वाटर एनेमा भी ले सकते हैं। ओके, अब आते आप एक हैं बार रिपीट मेडिसिन कीजिएगा मैम। पर। क्या टेप वाटर एनेमा? हाँ मैम, एक बार दोबारा बताइएगा उसका, क्योंकि ओके, पिक्चर टेप नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, वाटर, तो क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। टेप वाटर एनेमा क्या होता है कि यहाँ पे एनेमा कैन है ना, लेकिन उसमें ये कैन नहीं चाहिए, सिर्फ इसका जो पाइप है वो होने से हो जाएगा। तो पाइप के बदले आप कैथेटर, यूरोबेक का जो पाइप होता है ना, जो ट्यूब होता है यूरोबेक का, ओके वो ट्यूब को भी आप कट करके ले सकते हैं। वो यूरोबेक को हटा दीजिए और उसका जो पाइप है उसको आप ले लीजिए, तो ये ट्यूब के बदले वो काम करेगा। तो वो सब मतलब जुगाड़ ऐसे घर में भी आप लगा सकते हैं। और एक टेप कनेक्टर आपको चाहिए, तो टेप कनेक्टर को आप टेप टेप के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपके वॉशरूम में जो भी टेप है पानी का उसके साथ वो कनेक्ट करके, और ये जो ट्यूब है वो ट्यूब के साथ उसको लगा के, और जो रेक्टम कैथेटर है तो रेक्टम कैथेटर इसमें फिक्स करके और उसमें थोड़ा सा जेली वगैरह लगा के और आप अपने रेक्टम के अंदर डाल सकते हैं, और जैसे आप पानी जब चालू करेंगे ना तो वो पानी धीरे धीरे आपके रेक्टम के अंदर भरेगा। वो भरने के बाद फिर प्रेशर से पूरा जो भी मोशन अंदर फंसा हुआ है सब निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हेलो तरीका है इस। ओके हेलो, मैम, एक मिनट मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, एक मिनट देंगे जी मेरे को? जी मैम इसमें जैसे आप टेप कनेक्टर लगाते हो ना, जो इसकी पाइप होती है यूरो बैग की, तो इसको आप सीधे जो जेट होता है ना इंग्लिश सीट के ऊपर लगा हुआ,
वो पाइप सीधी उसके ऊपर भी लग जाती है, उसमें टेप की भी जरूरत नहीं है और सीधा इंजेक्ट हो जाएगा उससे। हाँ ओके ओके, तो आपका जी, नाम बताइए। मेरा नाम मनमोहन दास है मैम, ओके ओके, और तो मैं मनमोहन जी सर ने इस भी जो भी फाइनल अपने, ओके फाइनल मोड मनमोहन इंजरी जी के ने भी जितने जी, पेशेंट है ना, हाँ जी, तो मैं उनके लिए स्टैंडिंग फ्रेम वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता हूँ। तो और भी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में मैं नॉलेज दे सकता हूँ इनको, एक बार आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा। ओके ठीक है। आप मनमोहन जी एक बार अपने अपना भी नंबर आप अपने डाल जी दीजिएगा ना चैट बॉक्स में। हाँ जी, आप नंबर अपने भी मैंने डाल दिया एक्सपीरियंस, अपना। आप जी कॉल के लास्ट में आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। जी 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 जरूर ओके ओके, जरूर। तो पीतोंदा आप पीतोंदा हाँ पीतोंदा बोलो बोलो कॉल के बाद थोड़ा बोलो। हम अगर इधर बात बीस करेंगे हम हाँ तो ज़्यादा बोलो। बेहतर रहेगा। राहुल जी बोलो बिथुना की बोल छो। प्रीतम, जो भी लोग बात कर रहे हैं वो लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर होगा उस समय बात करना है। अभी आप जो भी बोलना है आप मैसेज पे टाइप करते जाइए, और पिंकी जी आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। ओके ओके, अब आते हैं लैक्सेटिव मेडिसिन पर। जो मेडिसिन आती है मोशन के लिए उसको लैक्सेटिव कहा जाता है। तो जब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आप लैक्सेटिव ले सकते हैं। जैसे कि वो पेज लाइए राहुल जी, पेज नंबर 30। ओके, तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने पर जब मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ दो एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन इसमें ज्यादा नहीं ऐड किया है। जैसे कि हो गया ये क्रीमाफिन, डलक्रोफ्लेक्स और मील कॉप मैग्नेशिया, इस तरीके का और भी बहुत सारे लैक्सेटिव होते हैं। तो वो लेकर भी आप इसे कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं और आप फ्रेश हो सकते हैं। तो इसके अलावा एक और नेचुरल फाइबर है जिसको इसबगोल कहते हैं, तो वो इसबगोल भी आप फार्मेसी से ले सकते हैं। इसको इसबगोल के बारे में शायद कुछ लोगों को पता होगा। तो ये एक नेचुरल फाइबर होती है, तो उसको रोजाना रात को आप बड़े 2 बड़े चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जैसे मेडिसिन वगैरह लेने से ना पेट में मरोड़ होती है, और कभी कभी 2 3 बार 4 बार ऐसे भी मोशन हो जाते हैं। लेकिन ये जो इसबगोल है ये नेचुरल फाइबर है, इससे पेट में मरोड़ वगैरह कुछ नहीं होती है और ये मोशन को सॉफ्ट बनाता है, जिससे मोशन पास करने में आसानी होती है। ओके, तो अब हो गया कुछ बातें नंबर जो ओके, तो अब करते हैं आखिर में ध्यान में रखने वाली कुछ बातें जो हमें ज्यादा जरूरी है जानना और ध्यान में रखना। तो पहले तो आप फ्रेश होने से आधा घंटा पहले कुछ हल्का नाश्ता करिए या गर्म पानी पीजिए, इससे आपको फ्रेश होने में आसानी होगी। और दूसरा हो गया, उंगली के नाखून हमेशा काटकर छोटी रखिए, मगर संभव और अगर संभव हो तो कमोड व्हील चेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे मोशन पूरी तरीके से क्लियर होने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि हम लोग जब लेट के करते हैं ना, तो हर किसी के लिए अगर बैठ के संभव नहीं है वो लेट कर ही करते हैं। तो वो तो है लेकिन अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करिए बैठ कर करने की। तो एक हो गया कमोड व्हील चेयर, दूसरा हो गया डायरेक्ट जो कमोड सीट है, जो वेस्टर्न क्लोसेट है उस पर भी आप कमोड कुशन वगैरह रख के उसमें बैठ सकते हैं और उस पर भी आप मोशन पास कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप कम खर्चे में लगभग 1,000 रुपये के अंदर आप लकड़ी का एक चेयर बना सकते हैं। कमोड चेयर आप लकड़ी का बना सकते हैं, तो उसका कैसे बनाना है उसका पिक्चर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए लकड़ी का इस तरीके से बना के नीचे बाल्टी वगैरह रख के और उसमें भी बैठ के मोशन पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ज्यादा अच्छे से हो जाएगा अगर बैठ के करेंगे। और तीसरी बात है कि टाइमिंग जरूर फिक्स करिए,
कभी आप सुबह जाएंगे, कभी दोपहर को या कभी शाम को, तो कोई एक टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ, तो हर बार आपका जो मोशन है अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर टाइमिंग फिक्स रखेंगे तो उस हिसाब से हमारा शरीर भी ढल जाता है और उस टाइम को अच्छे से मोशन खुल के हो जाती है। और चौथी बात है साफ सफाई का ध्यान रखना। जब भी मोशन पास करना है, चाहे आप बेड पर करिए या फिर आप जैसे भी वॉशरूम में जाके करिए, लेकिन साबुन से अपने रेक्टम को अच्छे से साफ करिए, हाथ भी अच्छे से साबुन से धोइए, तो साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। पांचवी हो गया, जब भी आप कमोड व्हीलचेयर में या कमोड कुशन में, जैसे भी कमोड सीट पे जैसे भी आप फ्रेश होने जाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या करना है, आपको हल्का सामने की तरफ झुकना है। तो जब भी आप बैठकर जो लोग करते हैं, तो सामने की तरफ हल्का झुकेंगे और पेट को हल्का दबाएंगे, तो इससे क्या होगा कि पेट में थोड़ा ये नीचे की तरफ थोड़ा प्रेशर पड़ता है और मोशन अच्छे से खुल के हो जाती है। तो ये हो गया कुछ ध्यान रखने वाली कुछ बातें। लेकिन एक और बात है, अगर यहाँ पे जो भी टेक्निक्स बताया गया है वो सारे करने के बाद भी आपको अगर मोशन नहीं आ रहे, आपको एक से ज्यादा हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ऐसे हो गया, कुछ भी आपको असर नहीं कर रहा है, मोशन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो आज का ये सेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचते, क्योंकि काफी कम शब्दों में ही मैंने इसको बताया है। तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हाँ इसमें मैडम, जो पोस्टर में जो भी कांटेक्ट नंबर दिया गया है वो बाद में अगर किसी को कुछ अगर याद आ गया तो बाद में भी आप कॉल कर सकते हैं। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल था। जी हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रहा है। हाँ मैडम, इसमें आप बोलते हैं रेक्टम में ये करना चाहिए और दूसरे सपोर्टिव वगैरह यूज करना चाहिए। क्वाड्रोप्लेजिक के लिए क्या है, मतलब वो खुद से क्या कर सकते हैं? क्वाड्रोप्लेजिक के लिए भी सेम तरीका है, लेकिन इसमें कुछ डिवाइस दिया गया है। अगर राहुल जी अगर आप दिखा सकते हैं, कुछ डिवाइस है जिसको आप मंगवा कर, वो जैसे जिनका हाथ थोड़ा बहुत काम करता है, तो वो खुद से वो डिवाइस के जरिए वो डी भी कर ये स्टिमुलेट भी कर सकता है, और ये जो सपोजिटरी वगैरह इंसर्ट करना है वो सब कर सकते हैं। लेकिन और जो साफ बिल्कुल ही नहीं कर सुथरे करने सकते, जी अगर साफ सुथरा करना है तो इसमें अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, तब तो आपको हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी। अगर नहीं खुद से कर पा रहे तब तो हेल्प लेना पड़ेगा इसमें, तो भाई इसमें ज्यादा संकोच की थोड़ा बात नहीं है। जी अगर जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है, जो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो वो आप सपोर्ट ले लीजिए, किसी का हेल्प ले लीजिए। और अगर ये डिवाइस के बारे में आपको जानना है तो आप शैलेश जी से कॉन्टेक्ट करके उनसे भी पूछ सकते हैं बाद में। ओके थैंक यू मैडम। राहुल जी, एक इसमें जो भी क्वेश्चन जो भी था सवाल आ रहे हैं मैम, जो एक्सक्यूज में मी जो भी मैम, सवाल आ रहे हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, या यस आपका जब भी सेशन स्टार्ट हुआ ना तो थोड़ा आगे का मिस हो गया है, क्योंकि जो आपने लिंक दिया था उसमें कुछ एरर आ रहा था। तो क्या हमको इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है मैम? राहुल जी, थोड़ा बता दीजिए इस बारे में। जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, कहाँ से लेना है? हेलो, एक्चुअली वो बता देते हैं राहुल, अच्छा आपको ग्रुप में भी मैसेज आएगा, एंड इसके साथ एक यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे जीवन शैली, ठीक है ना, वो मेरा यूट्यूब ठीक है चैनल ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जीवन शैली है डालेंगे तो वहाँ पे चैनल वहाँ पे अपलोड हम लोग कर देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, या ठीक ओके है, थैंक यू। राहुल जी, इसमें जो भी इनबॉक्स में सवाल आ रहे हैं, आप प्लीज उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाद में हम लोग उनको पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। मैडम एक चीज खाली बताइएगा ना, वो सपोजिटरी हम लोग को डेली डालना है क्या? सपोजिटरी आप एक दिन छोड़ के डाल सकते हैं,
अगर आप सपोजिटरी ले रहे अच्छा हैं तो एक दिन छोड़ के हाँ करिए, हाँ और डी ही अगर करते हैं तो वो रोजाना कर सकते हैं। हम सपोजिटरी डालने से कुछ ऐसा हेल्थ में इश्यूज मैम, कुछ नहीं, कुछ हेल्थ मतलब इश्यूज उस नहीं साइड इफेक्ट्स होती है। वगैरह? नहीं, ऐसा ओके कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हमें अपने आप अपना बाउल मैनेजमेंट अगर करना है तो एक तरीका से अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका हमें अपनाना है, ताकि हम एक हेल्दी और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। तो इसीलिए अगर सपोजिटरी आप यूज करते हैं एक दिन छोड़ के, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ये करते मैम भी हैं। जी, उसमें मैम अगर फाइल्स भी है तो उससे कोई इशू नहीं है ना? जी, पाइल्स में आप डी वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन सपोजिटरी ले सकते हैं, या फिर ये जो वाटर एनिमा है इसको भी आप ले सकते हैं। जी, वार्म वाटर एनिमा जो आप बता रहे थे, ओके कनेक्ट वो डैप से भी कनेक्ट, जी। ओके मैम देखिए ये है कम्बोर्ड जी, अब जैसे ये फोल्डिंग वाली है, क्या आप वीडियो देख सकते हैं? जी, हेलो, हाँ मनोज जी जी, जी हाँ जी, दिख रहा है। ये वीडियो है जो ये व्हीलचेयर पीछे से नीचे से बिल्कुल कट है, ये जो अपनी इंग्लिश सीट होती है उसके ऊपर अटैच हो जाती है बिल्कुल जाके, अगर किसी भी इंसान ने अगर जाना है बेड से शिफ्ट होके इसके ऊपर और सीधा जो अपनी इंग्लिश सीट होती है उसके ऊपर लग जाती है, और इसी के ऊपर बंदा नहा के और वापस बेड पे शिफ्ट हो सकता है। और जो ये है ये पूरी फोल्डिंग है, क्योंकि हम कहीं पे होटल वगैरह में जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है कि उसमें व्हीलचेयर नहीं जाती, जो गेट एडजस्टेड होते हैं, तो ये यहाँ से खुल के दो नट हैं बिल्कुल और फोल्ड होके बैग में डल जाती है। और जैसे आपने वो पाइप बताई थी उसके इंजेक्ट करने के लिए, जो जेट के ऊपर सीधी लग जाती है और इसी इसी के साथ उसको यूज कर सकते हैं हम। ओके ओके, मनोज जी, तो ये आपने बनवाया हुआ है? नहीं जी, मैं सब ये चीजें बना के देता हूँ सभी को हेल्प के लिए, ओके ओके, और तो जी और ये इसमें मैंने स्टैंडिंग ये फ्रेम बनाया हुआ है एक, बंटू खड़ा होकर चला के देखें। ये वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन हर कोई इसकी कॉस्टिंग वो नहीं कर सकता, तो फिर मैं इसलिए इसको नॉर्मल बना के देता हूँ। जैसे ये बेल्ट है ये पीछे कमर पे लग जाती है यहाँ से, ये जैसे ये बेल्ट लग गई यहाँ से, और किसी ने आगे घुटने हैं जो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और बंदे ने खड़े होके चलना है तो चल सकता है आराम से। और वैसे डेली प्रैक्टिस के लिए जो मैं बनाता हूँ वो विदाउट इलेक्ट्रिक होता है। इसकी कास्टिंग क्या है सर? इसकी कास्टिंग कितना हो जाती है इसकी ये काम कॉस्टिंग आप करके? मान के चलो कि वैसे तो मैं कुछ नहीं लेता, मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो इसका जो मतलब खर्चा है वो कोई भी पुरानी व्हीलचेयर लेनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक या नई लेनी पड़ेगी तो कम से कम 50-60 हज़ार की व्हीलचेयर लेनी पड़ेगी उसका बनेगा, तो इसका कम से कम खर्चा 50 हज़ार होगा। अगर इसको अपन चलने वाला नहीं बनाते तो वो जैसे भी अगर किसी की फैसिलिटी के हिसाब से मैं दे देता हूँ, जैसा जो करना चाहे जैसे भी। और जैसे ये चेयर है ये फोल्डिंग वाली है, वैसे मैंने घर में यूज करने के लिए दूसरी नॉर्मल बनाई हुई है, उसमें जैसे बैक सपोर्ट भी है और नीचे से टायर खुल जाए गिरने का डर नहीं है। और भी जैसे कोई किसी ने ओके, गाड़ी मॉडिफाई करवानी है, हैंड कंट्रोल करवानी है, तो वही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, जो अगर किसी की इच्छा है खर्चा वगैरह देने की तो दे भी जाते हैं, अगर किसी के पास कोई नहीं है तो हम वैसे कर देते हैं। मनोज जी, आप अपना कांटेक्ट हो सके तो शेयर कर दीजिए, हम आपको वैसे कॉल मैंने मैसेज करेंगे में बाद डाल में। दिया है, मैसेज में डाल दिया है, अगर सभी ने मेरा नंबर लेना है तो मेरा 9416489774, और ये मेरी इंस्टा आईडी है उस पे आपको सभी वो मिल जाएंगी, वीडियोस वगैरह भी जो जो मैंने काम किए हैं या किसी की हेल्प के लिए करता हूँ इंस्टा इंस्टा आईडी पे देख सकते हैं आप सारा। तो मनोज जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया चीजें बनाई सबके सपोर्ट के लिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सब इस्तेमाल करने से पहले एक बार जो भी फिजियोथेरापिस्ट है
अपना आपके कांटेक्ट में जो भी फिजियोथेरापिस्ट है या फिर रिहैब सेंटर में जिनसे आप जुड़े हुए हैं तो उनसे एक बार जरूर बात करिएगा। आपकी वॉइस और चली हेलो हेलो। अभी आ रही है, हाँ अभी आ हाँ रही है। मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरीके का डिवाइस बहुत अच्छा बनाया है मनोज जी ने, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन है तो इसलिए हम लोग अगर स्टैंडिंग के लिए कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो बढ़िया रहेगा कि हम जो भी फिजियोथेरापिस्ट है हमारे कांटेक्ट में या फिर रिहेब सेंटर में एक बार कम से कम उनसे बात जरूर करके इस बारे में बोलिए कि आपको स्टैंडिंग करना है तो आपके बॉडी कंडीशन के हिसाब से फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी का बॉडी वेट एक जैसा नहीं होता है और किसी किसी का ऑस्टियोपोरोसिस या फिर इस तरीके से जो भी बोन डिफेक्ट्स होते हैं उसके वजह से अगर स्टैंडिंग करे तो अचानक से स्टैंडिंग करने से उनको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इस तरीके से डिवाइस यूज करने से पहले एटलीस्ट एक बार अपने फिजियोथेरापिस्ट से एक बार जरूर बात करिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और जीवन शैली जो ऑनलाइन इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी खर्चा नहीं लेते हैं और हम लोग अपना खाली टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अपना जो भी समय है वो उसमें योगदान करते हैं, ताकि जो लोग अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए या मुश्किलों से जूझ रहे हैं वो बाहर आ सके, इस सिचुएशन में घर से बाहर निकले, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जिए, हेल्दी लाइफ जिए, इसीलिए हम लोग ये कोशिश जारी रखे हैं। आप लोग अपने और भी जो दोस्त है रिश्तेदार है जो स्पाइनल इंजरी से ग्रसित है तो उनके साथ भी जीवन शैली का प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं और उनको इस प्रोग्राम के साथ ज्वाइन करा सकते हैं, ताकि वो भी अच्छे से इसमें ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग होता है उसको ले सके और एक अच्छा लाइफ जी सके। ओके थैंक यू आप सबका, और जीवन शैली को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया और आके मैंने अपनी जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके सो थैंक यू पिंकी जी एंड थैंक यू एवरीवन। तो आप लोग आए और जो जी पिंकी जी बताएं, होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इसके माध्यम से हम जो हमारा जो डेली जो भी दिनचर्या में या जो भी हमारा मन में जो संकोच था, डर था, वो भी क्लियर डॉट हुआ था हुआ होगा। एंड अगर आपको चाहिए कुछ कि बावल मलंडर या से संबंधित या अदर कुछ भी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारी टीम है जीवन शैली टीम, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और सभी का बॉडी, जैसे पिंकी जी बताएं, सभी का बॉडी अलग अलग होता है, तो इसीलिए पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। उनका असेसमेंट करके उनकी आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा रहेगा वो हम लोग बता सकते हैं। तो यही है जीवन शैली का पहल। एंड बाकी आप YouTube पे जाके देख सकते हैं हाँ जीवन बिल्कुल शैली, और अभी हम लोग जाके वहाँ पे वीडियो वगैरह है वहाँ पे आपको सब कुछ पता चलेगा। बाकी हमें कॉल करेंगे तो हम आपका जो भी हो सकता है पूरा टीम आपको आत्मनिर्भर होने में हम लोग आपका सहयोग करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। हाँ जी कुछ बोल रहे थे धन्यवाद आपको सर जी, बहुत अच्छा। विष्णु बोल रहा सर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए बोल कुछ। रहा हूँ, हमारा टॉयलेट नहीं हुआ है, उस दवाई खावा। मैं तो मैं ट्रांसलेशन करूँ? ओके कुछ ठीक नहीं है, होता। तो हम आपका एक आपका शैले एक हाँ जी, हाँ भैया जी, हाँ जी, बोले मतलब टॉयलेट नहीं हो रहा, मतलब दवाई मेडिसिन बहुत कुछ खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ओके ठीक है। तो कोई डॉक्टर से हम सपोर्ट लेंगे, एक कॉल आपका अरेंज करेंगे। तो आप फिर तो इनका एक निर्णय होगा, तो हम पिंकी जी के साथ एक कॉल रखेंगे एंड इनका पूरा एक असेसमेंट अच्छा करके, एंड देन उसके बाद हो अच्छा सकेगा तो कोई डॉक्टर से ओपिनियन लेके फिर आगे का जो भी उनका लिए बेहतर होगा वो हम लोग प्लान करेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक कॉल इनका शैलेश एक सर, मैं सेशन बनाने आपसे वाले बात हैं और करना मैं सही चाहता करता था। हूँ। हाँ जी बोलिए।
सर, मैं नज़ीर अहमद हूँ, जम्मू कश्मीर से। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, किस टाइम कॉल करूँगा? हाँ बस अभी तो मेरा दूसरा कॉल है, तो आप हमें मॉर्निंग में 9-10 के बीच में कॉल कर लीजिए, या कभी अरे भी सर, 8 बजे आपने के बाद मुझे कभी पैक भी करना, कॉल मैं कर। डायरेक्ट कॉल करूँगा आपको। हाँ कोई दिक्कत ना, आप बताइएगा, परिचय दीजिएगा, तब पहचान लेंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ सर, मेरी आपसे पहले भी बात होती रहती थी, मेरे पास आपका नंबर है, मैं कॉल कर लूँगा कल 10 बजे सर। है ओके, सी ओके, ठीक है करबो ठीक है। थोड़े तो सब लोग ध्यान रखिए अपना, एंड फिर भी हम लोग मिलेंगे। ओके टेक केयर, एंड सेकेंड कॉल पे मिलेंगे। और भी दूसरा हमारा ऐसा प्रोग्राम चलते रहेगा, संडे को ये हमेशा चलते रहता है, संडे को 7 से 8 के बीच में, एवरी संडे को। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक बहुत केयर, बहुत ख्याल शुक्रिया सर। रखिए, गुड नाइट। यस जी वेलकम, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। ना কার্তিক দা সুভাষিস কিছু বলবে তুমি আর কার্তিক সুভাষিস কিছু বলবে তোমরা কেউ? আমি কিছু বলিনি, আমি ওই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিলাম বিষ্ণু দার ব্যাপারে। আমি বিষ্ণু বলছি, বিষ্ণু বলছি। আগে हेलो, वो आप बात नहीं, विष्णुदा, वो बात नहीं, कॉल पे बात कर लीजिए, डोंट वरी, और होता है, कोई दिक्कत नहीं। তোমার अच्छा জন্য अच्छा আলাদা করে ক্লাস রাখা হবে, তোমার ব্যাপারটা সবকিছু আলোচনা করা হবে, ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে সবকিছু তোমাকে বলা হবে, বুঝলে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ওটা তাহলে, আমি তো হিন্দি বলতে পারি না, ওটা সমস্যা। এবার তুমি তুমি ওটা দায়িত্ব একটু করে দেবে, ঠিক, আমি আমরা নেবো, আছি তোমার। আমি আছি তো কলে, টেনশন করছো কেন, আমি মিটিং আচ্ছা বানিয়ে দেবো খনি। ঠিক আছে, তোমাকে 1:1 কল রাখা হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল 3 থেকে 21, ওকে 3 থেকে 21, আর একটা 22 করো, 22:30 করতে, ওকে 22:30 করো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আব আমরা মিটিং এই সমাপ্ত কর রহে হ্যায়, ফির মিলতে হ্যায় নেক্সট মিটিং মে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান জুড়নে কে লিয়ে, থ্যাংক ইউ পিঙ্কি জি, থ্যাংক ইউ শৈলেশ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।